विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर हैं। विवेक, आप बता रहे थे कि पुराना मामला है और क्यों इस वक्त जारी हुआ, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, इसकी तकनीकी पेचीदगियां क्या हैं, ये आज जारी हुआ इसके पीछे क्या कारण है? देखिए राजेंद्र, एक प्रक्रिया कानूनी होती है, उसमें कोई भी अगर मामला किसी के अगेंस्ट चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसमें गवाही होती है और उनके जो पीड़ित पक्ष है और आरोपी पक्ष है दोनों के बयान दर्ज किए जाते हैं, कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद वो अपने बयान रखते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तमाम बार कोर्ट ने कार्रवाई करने के लिए कहा, उनको समन भेजा गया, बयान दर्ज कराने नहीं आ रहे थे, तो एक उसका निश्चित समय होता है कि एक अवधि के बाद, मान लीजिए एक समन जारी किया गया, नोटिस जारी किया गया, तो एक महीने बाद दूसरा होगा, फिर दूसरे महीने बाद तीसरा होगा, इस तरह से लगातार जब नोटिस जारी होते रहे, और ये कोर्ट की अवमानना भी होती है, एक तरह से कहा जाता है कि कोर्ट की अवमानना है। इसके बाद कोर्ट उनका गिरफ्तारी वारंट ये कहता है कि अगर जो आरोपी पक्ष है वो खुद नहीं आ रहा है तो उसको गिरफ्तार करके हमारे सामने लाया जाए, ये भी हो सकता है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाए, और ये भी हो सकता है कि वो खुद फिर वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाए। हालांकि कोर्ट में प्रोड्यूस होना उसका तकनीकी पहलू ये है कि वहां से कोर्ट गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का आदेश भी दे सकती है, इसलिए ये कोशिश करेंगे कि अपना जो वारंट है वो खारिज कराएं उसी अदालत में जाके, या फिर पुलिस के पास जाके अपनी गिरफ्तारी दिखाएं और उसके बाद अगले दिन जो जमानत की प्रक्रिया है वो उनकी हो सके। तो ये तीन चार पॉइंट ऐसे हैं जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ ना कुछ अब कार्रवाई करनी पड़ेगी, या तो वो पुलिस उनके घर जाएगी, या वो खुद पुलिस के पास जाएंगे, और या फिर वो किसी ऊपर की अदालत में, वहां पर जाके एमपी एमएलए कोर्ट के ऊपर जो अदालत है वहां जाके अपनी एक याचिका देंगे कि अपनी वजह बताएंगे कि हम किस वजह से वहां हाजिर नहीं हो पा रहे थे और मुझे इसमें थोड़ा सा राहत दी जाए, वो एक गुजारिश करेंगे, उसके बाद कोर्ट उनकी एप्लीकेशन पर सुनवाई करेगी और जो फैसला करेगी वो फिर मान्य होगा। हालांकि इस बीच कितना वक्त रहेगा पुलिस के पास भी, चूंकि जैसा अभी कहा गया कि एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है, कल ही उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो ये हो सकता है कि राजनीतिक वजहों से ये वारंट जारी किया गया हो, जारी कराया गया हो, क्योंकि ये वारंट ऐसा नहीं है कि अभी का जारी हुआ हो, कल जारी हुआ हो, या कल के प्रकरण के बाद उसको दबा के रखा गया हो कि जब जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं उनके जो जितने भी मुकदमे होते हैं उसमें कुछ चीजें छुपा कर रखी जाती हैं, कुछ चीजें दबा कर रखी जाती हैं, और ऐन वक्त पर वो चीजें बाहर निकाली जाती हैं, वो कागजात बाहर निकाले जाते हैं, वो मुकदमे बाहर निकाले जाते हैं, वो फाइलें बाहर निकाली जाती हैं, फाइलें खोली जाती हैं जो बहुत समय से दबी होती हैं। तो इसमें भी ऐसा ही हो सकता है कि वारंट की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित हो, वो महीना भर भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, दो साल भी हो सकता है, और जब जरूरत पड़ी तब वो पुराने मुकदमे, पुरानी फाइल खोल कर देखा गया कि ये मुकदमे हैं और इनमें कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, ऐसा आरोप लगता रहा है राजनीतिक पार्टियों पर। हालांकि हम कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, कोर्ट की प्रक्रिया जो होती है वो एक प्रोसीडिंग उनकी चलती रहती है, लेकिन कुछ लोग इसको चटघरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जो राजनीतिक दल है वो उसका फायदा उठाने के लिए तमाम फाइलें दबा कर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, ये बताइए, जरूर बताइए, हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी कि पिछली सुनवाई कब हुई थी, जब कोर्ट ने कहा कि ये सुनवाई से बच रहे हैं या कोर्ट में प्रस्तुत होने से ये एक किस्म का इग्नोरेंस है? देखिए राजेंद्र, इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट की सुनवाइयां ऐसे मामलों में, जो कोर्ट की सुनवाइयां होती हैं वो वर्चुअल भी होती हैं, क्योंकि पिछला कोरोना काल था, तो वर्चुअल सुनवाइयां कब हुई होंगी इस बारे में बहुत ज्यादा, जब तक इनके जो अधिवक्ता हैं, जो राज्य सरकार के अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत नहीं हो जाती तब तक कोई इस पर टिप्पणी करना, क्योंकि आप बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं कि कब हुई थी, तो इस बारे में जब तक राज्य सरकार के अधिवक्ता से बात नहीं हो पाएगी तब तक कुछ कहना मुनासिब नहीं, क्योंकि पिछली कोरोना काल में सुनवाइयां वर्चुअल हुई है, बीच में कुछ दिन के लिए खुली है, उसके बाद फिर से अब वर्चुअल शुरू हो गई है, तो अगर अभी भी हुई होगी तो भी वर्चुअल हुई होगी, पिछले साल हुई होगी तब भी वर्चुअल हुई होगी, इसलिए तारीख का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ भी आधिकारिक रूप से एबीपी गंगा अगर अपने दर्शकों को कुछ बताएगा तो वो ठोक बजा के एक पूरी परफेक्ट चीजें बताएगा, परफेक्ट जानकारियां देगा, इसलिए जब तक राज्य सरकार के अधिवक्ता से कुछ बातचीत ना हो जाए तब तक ये कहना मुनासिब नहीं है कि कब हुई थी। लेकिन ये प्रक्रिया लंबे समय तक लंबी थी इतना जरूर है, जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि 6-7 महीने से भी ज्यादा समय तक लंबित रहा है, उसके बाद अब ये प्रक्रिया शुरू हुई है, और कल उनके इस्तीफा देने के बाद ये जिस तरह से चीजें सामने आई हैं तो उसको सारा राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश हो रही है, कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हो वो अगर अपने लोगों से कहेंगे, अभी हालांकि उनका बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जाएगी कि कल इस्तीफा दिया और उसके बाद आज ही वारंट जारी कर दिया गया, ये दबाव में लेने की एक राजनीति हो सकती है। जी राजीव, बिल्कुल विवेक, सवाल तो उठेंगे और अभी देखना बहुत दिलचस्प है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस पे क्या कहते हैं।
वो अपना क्या बयान देते हैं सार्वजनिक रूप से या नहीं देते हैं बयान, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा विवेक। और हमें इंतजार करना होगा वो जो स्पेसिफिक डिटेल्स की आप बात कर रहे थे कि वो सामने आए और इस पूरे मामले पूरे प्रकरण के बारे में हम अपने दर्शकों को बता पाए। लेकिन 7 साल पुराना मामला है विवेक, और ये तब का मामला है जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे, और अब जाके उस पर गिरफ्तारी का वारंट जारी करना या होना अपने आप में एक बहुत रोचक बात तो है ही और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कल उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया है विवेक, और 14 जनवरी को वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कह रहे हैं। और यही नहीं, उसके बाद आज दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है जो उनके करीबी बताए जाते हैं, और उनके बारे में कल से ही अटकलें लग रही थी, उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया है। तो ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक रूप से उठेंगे, और गिरफ्तारी का जो वारंट जारी हुआ है इस पे अब पुलिस पर भी निगाह रखनी होगी विवेक। तो क्या पुलिस के अधिकारियों से कोई आपका इस बीच में कोई संपर्क हो पाया है या उनका कुछ रुख पता चल पाया है? निश्चित तौर पे राजन, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस मुख्यालय के अधिकारी हैं, उन तक भी वारंट की जानकारी नहीं आई है। वारंट के बारे में तो पता चला है, लेकिन उसमें किस तारीख को जारी हुआ है और कौन सी, जब तक उसका प्रारूप सामने नहीं आ जाएगा तब तक वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। लेकिन जिस हिसाब से जहाँ की MP MLA कोर्ट की बात चल रही है, वहाँ की पुलिस के पास, संबंधित थाने के पास पूरी जानकारी है, और उन्होंने कहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी, सबसे पहली बात तो ये होता है कि मुकदमे तो हो जाते हैं, हमारे जो कानून का सिस्टम है वो ऐसा है कि मुकदमे कहीं का कहीं लिख जाता है, कोई टिप्पणी कहीं करता है और मुकदमा लखनऊ में हो जाता है, कोई मुंबई में कुछ करता है तो मुकदमा गोरखपुर में हो जाता है। तो दिक्कत ये होती है कि वहाँ की पुलिस को जब मुकदमे में प्रगति होती है, जांच होती है, विवेचना होती है, साक्ष्य होते हैं, गवाहों के बयान होते हैं, तब बहुत सारी चीजें जुटाते हैं, क्योंकि उनको मुंबई जाना पड़ेगा या जहां का मुकदमा होगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, जहां का भी वो केस होगा वहां जाकर साक्ष्य जुटाते। तो अब संबंधित थाने की पुलिस के सामने दिक्कत ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का घर कहाँ है, पहले वो कहाँ रहते थे, उनका सरकारी आवास कौन सा है, किन किन ठिकानों पर वो मिल सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी जुटानी पड़ेंगी। कोर्ट का एक गिरफ्तारी का वारंट जारी होना, उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में पुलिस को काफी प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी आरोपी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटानी पड़ती है। तो पुलिस भी अभी एक वारंट, एक तो प्रक्रिया ये है कि वारंट जारी होता है तो देखना ही होगा कि हमें किस तारीख को वारंट जारी हुआ है, अगर ये कल का है या परसों का है या आज का है, क्योंकि चीजें फिल्टर होकर थोड़ा सा लेट आती हैं, बाहर कम आती हैं। अगर ये आज का है तो उसको कल के इस्तीफे के घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है, और आज का है तो अभी वारंट जारी हुआ है यानी अभी पहुंचा भी नहीं होगा संबंधित थाने में। कोर्ट की प्रोसीडिंग के हिसाब से वो देर शाम तक पहुंचेगा, देर शाम तक जब पुलिस के हाथ में आएगा, विवेचक के हाथ में आएगा, तब वो आगे की कार्रवाई शुरू करेगा कि उसको कहां से क्या शुरू करना है स्वामी प्रसाद मौर्य से। विवेक 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 आपको